गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कारगिल। और आज हमारे डे का जो मतलब हम लोग आज एंटर करने वाले हैं कश्मीर रीजन के अंदर, और कश्मीर रीजन के अंदर एंटर करते समय हमें मिलेगा कारगिल वार मेमोरियल, तो वो विजिट करेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे आज कश्मीर की वादियों के अंदर। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। रूम की बात करें तो कुछ इस टाइप से रूम थे यहाँ पे पीसी पैलेस के अंदर, हम लोग जहाँ पे रुके हुए थे। अभी हम लोगों का सामान पैक है, बस इसको बाइक पे लोड करना है। और बाइक पे लोड करने के लिए भी भाई साहब काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब नीचे जो पार्किंग है काफ़ी छोटी है और उसमें पूरे में गाड़ियाँ भर दी हैं। और बगल के रूम में हलचल देखें तो यहाँ पे भी पैकिंग चल रही है फुल जोरों से। रेडी, कितना टाइम लगेगा? 2-4 घंटे। इधर के रूम के क्या माहौल है? अभी टाइम 8:38 हो गया है और हमारी बाइक्स यहाँ पे रेडी है। जो मेन हाईवे है, मतलब ये इसका मेन मार्केट है कारगिल का। अभी समस्या ये हुई कि जय भाई के जो फ्रंट टायर है उसकी हवा निकल गई थी पूरी, तो अभी हमने हवा तो उसमें फिल कर दी है, लेकिन अभी पंक्चर चेक करवाना ज़रूरी है क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते आगे का। पेट्रोल पंप पे पहुंचा, फटाफट निकल रही है। अभी भी निकल रही है, थोड़ी बहुत कम हो गई। दोनों में हवा चेक, पीछे वाले में चेक करा लेना। सीधा बता रहे हैं तो जय भाई को अभी तो हवा भर के आगे भेज दिया है, देखते हैं। ओके, तो अभी सभी लोग पेट्रोल पंप के लिए निकल रहे हैं, मतलब पेट्रोल फिल कराएंगे पहले, और फिर जब तक वो जय भाई है वहाँ पे पंक्चर बनवा लेंगे अपना, और उसके बाद हम लोग आगे निकलेंगे। टायरों में यार हवा तो सभी के कम सी लग रही है, तो एक बार टायरों में हवा भी चेक करवा ही लेंगे। बाकी एक बार शुभम का लगेज हो जाए, क्योंकि जो भी टूल्स के सामान है सब इसी के लगेज में थे, तो ये पूरा लगेज वापस अनलोड करना पड़ा और वापस लोड करना पड़ा। जो ट्रैवलिंग होती है बाइक में उसमें सबसे हेक्टिक काम यही होता है कि जब सुबह सबसे पहले लगेज लोड करना। कल वाली इसको जीरो कर देते हैं। तो अभी हम यहाँ के जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे पहुँच तो गए हैं। वहाँ पे अभी जो पेट्रोल की प्राइस है वो 104.94 है, और अभी समस्या ये हो गई है कि यहाँ पे जो पंक्चर वाला है वो नहीं है और यहाँ पे हवा भी नहीं है, तो फिर से समस्या हो जाएगी कि किस टाइप से हवा फिल कराई जाए या किस टाइप से उनका टायर चेक कराया जाए, क्योंकि उसमें से हवा लीक तो कर ही रही है लेकिन मिल नहीं रहा पंक्चर कहाँ है। ओके, यहाँ पर जो मेरी मीटर की रीडिंग है वो 8607 है, और बाकी अभी देखते हैं कितना पेट्रोल आता है। फुल टैंक फुल। ये यहाँ क्या लिख रखा है, लोकल्स के पेट्रोल मिक्स करते हैं 10% इथेनॉल विद पब्लिक ऑयल। हाँ, अभी दूसरा पेट्रोल आने वाला है ना सर, यहाँ के लिए। हाँ, हर साइड के लिए। अच्छा, गाड़ी की टंकी में गलती से पानी रहेगा ना। हाँ, पूरा पेट्रोल पानी ही बन जाएगा। अच्छा, वार्निंग दे रहे हैं, 850 का कर देना बस। यहाँ कारगिल में एक बात है यार, ठंड तो है, मतलब सुबह थोड़े से बादल वगैरह हो गए उसके बाद से ठंड लग रही है, और मैंने लाइनर नहीं लगा रखा तो मुझे थोड़ी ज़्यादा ही ठंड लग रही है। बाकी नीचे रेन पैंट वगैरह डाल दिए, ऊपर जैसे कोई बारिश वगैरह आएगी तो ये ग्लव्स भी चेंज कर लेंगे, और जो ऊपर का रेन कोट है वो भी डाल लेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा पसीना पसीना हो जाता है, इसलिए रेन कोट अभी नहीं डाला है। चलो फिर निकलते हैं आज द्रास होते हुए श्रीनगर की ओर। और आज जो ये बगल में रिवर चल रही है इसमें भाई साहब पानी का फ्लो काफ़ी तेज है, मतलब कल से भी ज़्यादा है आज, और बता रहे हैं कि श्रीनगर में लगातार बारिश चल रही है, तो देखते हैं क्या सिचुएशन मिलती है। जो मनाली वाला रास्ता है अकॉर्डिंग टू न्यूज़ आज शायद वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर जो पागल नाला था वो पूरा पागल हो चुका है, हम लोगों ने तो उसको शुरू में क्रॉस कर दिया था। अब इस समय अगर आप मनाली से आ रहे हैं तो थोड़ा सा कंफर्म करके आना कि पागल नाला ओपन है या बंद है। तो आज हमारी एग्ज़ाम लेने के लिए एक और पास है, वो है जोजिला पास, जो कि यहाँ से अराउंड 80-90 किलोमीटर पड़ेगा शायद, और बता रहे हैं कि उसकी रोड इस समय बहुत ही ख़राब हो रखी है। द्रास यहाँ से अभी 52 किलोमीटर है, तो बारिश यहाँ स्टार्ट हो चुकी है, लग रही है मेरे को बूंद है। अगर ये थोड़ी सी और बढ़ती है तो मुझे तुरंत रोक के रेन गियर पहनने पड़ेंगे प्रॉपर। ओके, बारिश हो रही है यार। ओके, तो बारिश की छोटी छोटी नन्ही नन्ही बूंदें आ रही थी, तो इसलिए मैंने
जो अपने रेन गियर्स हैं वो प्रॉपर पूरे पहन लिए हैं। आपको टेंशन नहीं है, आप चाहे तेज बारिश आ जाए तो भी। तो जो कश्मीर की वादियों के लिए कहा जाता है वैसा ही कुछ लग रहा है, महसूस हो रहा है। क्या हसीन वादियाँ आ गई हैं, मतलब पहाड़ों पे अब घास आ गई है, नदी में बहाव तेज है, प्लस सामने जो है वो बादल। हाँ हाँ, जैसे मैं बता रहा था कि मैंने तो पहले ही रेन गियर पहन लिए थे, लेकिन इन लोगों ने अब जाके पहने हैं, इसलिए अब मैंने इनको पकड़ लिया। थोड़ा आराम आराम से चलाएंगे अब, क्योंकि पानी हो गया है यहाँ पे रोड के ऊपर, बारिश थोड़ी सी तेज़ हो गई है। और जैसा मैं बता रहा था, ये देखो पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है, कल परसों इतना नहीं था लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। भाई साहब वादियाँ देखो, वाह 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 भाई साहब वाह, क्या वादी है यार, क्या बादल लग रहे हैं ऊपर। अरे वाह वाह वाह, पता नहीं एक्शन गेम जस्टिफाई कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, बट मुझे रोक के यहाँ पे मोबाइल से फोटोग्राफी करनी चाहिए। अभी निकालते आपके लिए मोबाइल। ओके, तो यहाँ पे देखो वहाँ बादल दिख रहे हैं, बादल। ओ माय गॉड, मस्त घटाई छाई हुई है यार, मस्त। और इधर पानी, वाह शानदार। इधर अपनी चांदनी। अभी हम कोई ये चौकियाल गांव है वहाँ पे, और यहाँ पे देखो ये पोस्टर है, कितना शानदार लग रहा है, कारगिल वॉर मेमोरियल। 2 किलोमीटर अहेड, मतलब हम बस पहुँचने ही वाले हैं। और क्या सही मौसम हो रखा है यार, क्या सही मौसम हो रखा है। अपना भारतीय फ्लैग है वो वहाँ पे दिख रहा है। तो ये है कारगिल वॉर मेमोरियल। आज थोड़ा ब्लॉग वगैरह तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बारिश हो रही है, तो आप यहाँ के सिनेमैटिक व्यूज़ हैं वही एंजॉय करो। ओके, चलो यहाँ बता रहे हैं कि अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है, तो सब कुछ सामान यहीं पार्किंग में छोड़ के जाना है। पार्किंग के कितने लिए? पार्किंग के 20 रुपये चार्जेस लिए गए हैं यहाँ पे। तो देखते हैं सामानों को इधर उधर कहीं सेट करके जाते हैं ना। मिला गया पंचर वंचर, बस हवा भर दी है दोनों में। ओके, तो यहाँ पे कोई पंचर वगैरह नहीं मिला, बस हवा कम हुई थी, कैसे हुई थी क्या हुई थी ये नहीं पता। तो ये था सामने जो है वो कारगिल वॉर मेमोरियल। अभी यहाँ पे क्या है कि शायद कुछ तैयारी चल रही है, तो इस चक्कर में
बस केवल जो फ्रंट की रोड है वो ऑन कर रखी है, बाकी सारे ऑफ बंद है अभी। तो जितना था थोड़ा बहुत देख लिया और थोड़ी सी फुटेज जो भी है वो ले ली। अब यहाँ से हम निकलेंगे सीधा द्रास के लिए और द्रास में करेंगे शायद लंच। तो इंडियन आर्मी के उन सारे शहीद वीरों को दिल से एक सल्यूट तो बनता है यार, सारी इंडियन आर्मी को सल्यूट बनता है यार। मतलब हमने पूरी परिस्थितियाँ देखी है, कैसी क्या परिस्थितियाँ हैं यहाँ पे, मतलब पूरी तो नहीं देखी लेकिन ट्रैवलिंग के दौरान जो महसूस करी है भाई साहब, ऐसी कंडीशन में ये लोग यहाँ पे कंटिन्यूस अपना घर सब छोड़ के केवल एक हम लोगों के लिए, मतलब हम लोग वहाँ चैन से सो सके उसके लिए यहाँ पे ये सारे टाइम अलर्ट मोड पे रहते हैं। भाई साहब मौसम क्या सुहावना हो गया है, इसकी तो मैं क्या ही बात करूँ। मतलब रोड इतनी प्यारी हो गई है ना, मतलब रोड भी अच्छी है प्लस रोड के साइड की जो सीनरी है वो कम्प्लीटली चेंज हो गई है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन। और यहाँ पे जो अब है घर, वो घर भी अलग टाइप के बने हुए आने लग गए हैं।